मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अवैध हथियार के साथ दो बदमाशों को ग्राम रक्षा समिति ने पकड़ा है। लोगों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। ये बदमाश किस मकसद से हथियार के साथ घूम रहे थे, इसकी जाँच चल रही है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश घूम रहे थे तो बात करने पर इनमें से एक ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पर देसी कट्टा तान दिया। चूंकि ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने बदमाशों को पकड़ लिया और तलाशी में इन बदमाशों से 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के घर के पास से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब इनसे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन बदमाशों की दिखा रखी है जो धीरेन्द्र शास्त्री के घर के पास से इन्हें पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनके पास कारतूस क्या कर रहा था और आखिर वो लोग वहां पर क्या कुछ कर रहे थे। तो हथियार और कारतूस लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये लोग घूम रहे थे और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने उन्हें पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आज भी चाचा भतीजा बांटने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि जो काम कभी रावण ने किया वो काम अब ये लोग कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या दीपोत्सव के बारे में बात करते हुए कहा कि ये दीप अज्ञानता और अमावस्या के अंधकार को खत्म करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों पर निशाना साधा और कहा, जो लोग आपको राम की पैड़ी पर गंदे पानी में नहाने को मजबूर करते थे वो भी आज यहाँ साफ पानी में स्नान करते हैं। वहीं सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि हजारों साल पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, उसके बाद से अयोध्या में कोई विमान नहीं उड़ा, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद ये काम भी हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक आंकड़ों के अनुसार यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड आधारित लेनदेन अगस्त में लगभग 43,350 करोड़ रुपए से 8% गिरकर सितंबर में लगभग 39,920 करोड़ रुपए हो गया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बैंक के नए आंकड़ों के अनुसार देश में क्रेडिट कार्ड लेनदेन में बढ़ोतरी हुई है, जो सितंबर महीने में लगभग 5% बढ़कर 1,76,000 करोड़ रुपए हो गया है। अगस्त में ये 1,68,000 करोड़ रुपए था। हैदराबाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में अब तक 8 शिकायतें दर्ज की गई। आपको ये बता दें कि सभी शिकायतें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी हुई मिली हैं और ये धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिली थी। गनीमत हालांकि ये रही कि जांच के बाद विमानों में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। ये सभी धमकियां झूठी साबित हुई। हालांकि इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया है जो धमकी देने वालों का पता लगाने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग अब नक्सलियों पर आ चुकी है। श्योपुर से बीजेपी सांसद शिवमंगल तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को नक्सली कह दिया, जिस पर नाराज कांग्रेस नेताओं ने शिवमंगल तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस मामले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आपका आदिवासियों ने क्या बिगाड़ा है जो आपका सांसद उन्हें नक्सली कहता है। Z News।